हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात करते हैं कि समर्स में हम कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि अब विंटर के प्लांट्स के जाने का समय आ गया है। इसमें सबसे पहला प्लांट है, ये देखिए, ये है टेडी बियर सनफ्लावर। इसमें सनफ्लावर से थोड़े से, जो रेगुलर सनफ्लावर होता है उससे छोटे फ्लावर होते हैं और थोड़े काफ़ी घने फ्लावर होते हैं, बिल्कुल टेडी बियर जैसे दिखते हैं। इसके ये दो प्लांट हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसलिए बहुत बड़े प्लांट नहीं होते हैं। इसीलिए आप इनको शैलो पॉट, बहुत शैलो पॉट तो नहीं, पर 8 से 10 इंच के पॉट में आप लगा सकते हो। और जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये कॉस्मोस का। ये डबल सेड में है और इसके पीछे जो दो प्लांट रखे हैं वो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं। आई थिंक ये गलाडिया है, मुझे ठीक से तो पता नहीं है, पर ये फ्लावरिंग प्लांट ही हैं। ये देखिए, कॉस्मोस के दो और प्लांट मैंने छत पर लगा रखे हैं। इस वीडियो के बीच में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उन्हें। इसके बाद जो आप प्लांट लगा सकते हैं वो है बालसम। ये देखिए, इसे मैंने सीड से ग्रो किया था, इसे गुल मेहंदी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैंने सीड से ग्रो कर लिया था इसलिए इसमें फ्लावरिंग जो है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गई है। ये डबल वाला बालसम है, ये इसके फ्लावर काफ़ी बड़े होते हैं। ये बिल्कुल दूर से देखने पर रोज़ के जैसे इसके फ्लावर दिखते हैं। ये देखिए, मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीड से प्लांट ग्रो करते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, सीड से भी ग्रो करने के बाद प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये विंका। देखिए, इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। ये रेगुलर वाला विंका है, आप हाइब्रिड वैरायटी भी लाकर इस समय लगा सकते हैं। ये प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे फ्लावर देता है और ये प्लांट परमानेंट प्लांट है। देखिए, मेरी हैंगिंग बास्केट में ये कैसे हैंग करते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट प्लांट है वो, ये देखिए, ब्यूटीफुल सा जीनिया। ये डबल वाला जीनिया है। इस प्लांट को मैंने नर्सरी से लाकर लगाया है। ये देखिए, इसमें साइड से ब्रांचेस आने लगी हैं। उम्मीद करती हूँ काफ़ी फ्लावर इसमें समर्स में आएंगे। ये पिंक कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ जीनिया को सीड से भी ग्रो किया था पर उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। ये देखिए, डार्क पिंक कलर की और ये येलो कलर का, ये देखिए, और ये लाइट पिंक कलर का जीनिया मैंने सीड से ग्रो किया था। और अब आपको दिखाती हूँ मेरा बालसम का प्लांट, इसे भी मैंने नर्सरी से लाकर लगाया था। देखिए, इसमें भी अब कलियाँ आना शुरू हो गई हैं, बहुत सुंदर दिखता है ये प्लांट। और ये देखिए कॉस्मोस, ये मुझे पता नहीं है कौन से कलर का है, इसे मैंने नर्सरी से लाकर लगाया था पर मुझे लग रहा है ये येलो कलर का होगा। और दूसरा, ये देखिए, मैंने 10 इंच के पॉट में दो लगा रखे हैं कॉस्मोस। ये 1.5 से 2 इंच का पौधा, डेढ़ से 2 फीट का पौधा ये हो चुका है। ये देखिए, ये पौधा 2 से 2.5 फीट तक जाता है इसकी लंबाई। आप ऊपर से प्रोन करते रहेंगे तो ये काफ़ी घना हो जाएगा। और जो नेक्स्ट प्लांट है, ये देखिए, ये यूफोबिया मिली है, ये मिनी वैरायटी है, आप इसे ज़रूर लगाइए। ये गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में चलता है और हमेशा इसमें फ्लावर आते हैं। अगर आपने अभी तक इसे ऐड नहीं किया है अपने गार्डन में तो ज़रूर से लगाइए, बहुत हार्डी प्लांट है। इसके बाद आप लगा सकते हैं, ये देखिए, प्रोटलाका। ये देखिए, इसकी कटिंग लगाइए, प्लांट लगाइए, ये कैसे भी सर्वाइव कर जाता है और इतनी जल्दी ग्रो करता है कि आप बस इसकी कटिंग, छोटी सी भी कटिंग लगा दीजिए और ये पूरा फैल जाता है। ये देखिए, मैंने एक गार्डन बनाने की कोशिश की है। उसके बाद आप ये पर्सलेन भी लगा सकते हैं, इसे 9 o'clock भी कहते हैं। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये गर्मियों में बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद जो आप फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं ये है बोगनविलिया का प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, इसे मैं गमले में लगाऊंगी। इसके बाद जो आप प्लांट लगा सकते हैं वो है कोलियस का प्लांट। ये देखिए, कोलियस कोई फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं है पर इसके कलर्स बहुत सुंदर होते हैं और जब एक्सट्रीम गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में जब फ्लावर कम होते हैं आपके गार्डन में, तब ये गार्डन को आपके बहुत कलरफुल बनाता है।
इसके बाद चलिए अब आपको मिलवाती हूँ मेरे गार्डन के दो नए मेंबर से। जी हाँ, ये देखिए, ये स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल है। इसकी लीव्स बिल्कुल पर्ल के जैसी होती हैं। इसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। ये देखिए, छोटे से पॉट में था, इसे मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। बहुत सुंदर प्लांट है ये। और जो दूसरा प्लांट है वो ये सकलेंट है। ये भी एक सकलेंट है और इसका शेप बिल्कुल फ्लावर के जैसा ही है। मुझे ये दो प्लांट बहुत सुंदर लगे, इसीलिए मैं ले आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों प्लांट मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।